अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कबुक में। आज हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन आंसर्स। फोर्थ लेसन के हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं, पेज नंबर 17 है ना। इसमें हमारे पास क्या है, पहला आर्टिकल्स एन, ये हमने कई बार पढ़ा है, सीनियर के जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग एन का यूज कब करते हैं, जब ए आई ओ यू, अगर आगे कोई वोवेल्स आ रहे तो हम लोग एन यूज करते हैं, बाकी हम लोग क्या यूज करते हैं, ए। पहला सेंटेंस है, हमको क्या करना है, सर्किल दी करेक्ट आर्टिकल इन ईच सेंटेंस, जो करेक्ट आर्टिकल उसको हमको सर्कल करना है। आई लाइक टू प्ले विद, ए बॉल होगा या एन बॉल होगा, देखो बॉल के अंदर तो वोवेल नहीं है इसलिए क्या होगा, ए बॉल। आगे है प्लीज गेट मी ए कुकी, क्यों होगा ए कुकी, क्योंकि सी से शुरू हो रहा है ना, कोई वोवेल नहीं है। आई फाउंड एन एग, क्यों, क्योंकि ई वोवेल है। आपको पता है ना वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो जो ए और एन के आगे अगर कोई वोवेल आ रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे आर्टिकल। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन, ये भी हमने कोर्स बुक में किया था। यहां पर हमको क्या करना है कि हमारे पास सेंटेंस, इसको पढ़ो देखो, कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप, रीराइट द सेंटेंसेज यूजिंग कैपिटल लेटर्स करेक्टली एंड प्लेसिंग द फुल स्टॉप एट द करेक्ट प्लेस। हमको स्टार्ट किससे करना है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, और जब सेंटेंस कंप्लीट होगा उसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो जितने भी सेंटेंस है, जैसे दिस इज माई हाउस, तो इसको हम रीराइट करेंगे और फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे और लास्ट हम लोग क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। इसी तरह से हमको सारे सेंटेंस जो है, ये सारे सेंटेंस हमको रीराइट करने हैं, और कैसे करने हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर कंपोजिशन, इसमें हमको एक पिक्चर दे रखी है, दिख रही ना पिक्चर, ऐसा दिख रहा है जैसे गार्डन में बहुत सारे बच्चे प्ले कर रहे हैं, तो हमको इसके ऊपर सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे कुछ सेंटेंस लिखे, आप अपने मन से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, पर हर सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और वह सेंटेंस एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से होगा, ये कंपलसरी आपको ध्यान रखना है हर सेंटेंस में। जैसे दिस इज गार्डन, ये गार्डन दिख रहा है आपको, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन दी गार्डन, देखो फुल स्टॉप है और पहला कैपिटल है। फिर दे आर प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ये सारे जो गेम्स कौन से, आउटडोर गेम्स है ना, क्योंकि ये बाहर ओपन में खेल रहे हैं, है ना। देयर इज अ डॉग इन द गार्डन, यहां पर डॉग दिख रहा है हमको गार्डन में, और चिल्ड्रन आर प्लेइंग टेनिस क्रिकेट फुटबॉल इन द गार्डन, चिल्ड्रन जो खेल रहे हैं वो हम लिखा है। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि पहला लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप।